रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार ग्वार सीड को लेकर आ रहा है, ग्वार गम को लेकर आ रहा है, जानना चाह रहे ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, जिस हिसाब से ग्वार गम में और ग्वार सीड में एक अच्छी रैली के बाद में जिस हिसाब से जो कीमतें हैं वो धड़ाम होती नजर आ रही हैं, लगातार 4-4% के निचले सर्किट लगते नजर आ रहे हैं, रूपा जी उससे हमारे जो दर्शक हैं जो जुड़े हुए हैं उनका सवाल ग्वार गम को लेकर वाजिब है कि आगे अब ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या रहेगा। ग्वार गम का दिसंबर वादा देख रहे हैं 11,399 पर है, लगभग 4% के निचले सर्किट के साथ, और ग्वार सीड का दिसंबर वादा देख रहे हैं 6135 पर है, लगभग 2.5% की गिरावट के साथ। रूपा जी, ग्वार गम और ग्वार सीड पर आपकी क्या राय है, आगे क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड, अखिलेश देखिए, इसका फंडामेंटल इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं था, ये हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव था क्योंकि अभी बाइंग जो है काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। लेकिन हाँ, एक तरफ प्रोडक्शन कम बताया जा रहा था जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा था, और दूसरा हम कच्चे तेल में भी लगातार तेजी आते हुए देख रहे थे। अब जो ये गिरावट आती हुई दिखाई दी है, देखिए एक तो कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से काफी लुढ़क चुका है, उसका भी इम्पैक्ट है जो कि अमूमन देखा जाए तो बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन स्टिल कच्चे तेल में गिरावट का इम्पैक्ट जो है अभी कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बाजारों के अंदर इन लेवल्स के ऊपर एक डर का माहौल भी बन चुका है व्यापारियों के अंदर कि अब बाजार अगर यहाँ से लुढ़के तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा कहीं गिरावट की तरफ ना चले जाए। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए 10,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी है मार्केट के अंदर तो गिरावट की उम्मीद कम बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी इसके अंदर मुझे लगता है कि तेजी आना बाकी है। ग्वार जो है हो सकता है आपको वापिस से 13,000, और जो गम जो है वो 13,000, और सीड जो है वो वापिस से 7,000 के घरों में जाती हुई दिखाई दे। लेकिन अभी आज गिरावट हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से 4-4% के आसपास ग्वार गम और ग्वार सीड लुढ़का हुआ है। लेकिन हाजिर मंडियों में अभी इन स्तरों पर थोड़ा सा बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दी है, वहीं एक धड़ा इसमें खरीदारी की तरफ भी लगा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि अभी ग्वार यहाँ से एकदम से क्रैश होती हुई दिखाई देगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से बाउंस बैक आ सकता है, गिरावट के बाद फिर से खरीदारी लौट सकती है। लेकिन हाँ, अभी सस्टेनेबल है 10,000 के ऊपर, तब तक आप पॉजिटिव मानकर चलिए, बहुत ज्यादा कोई मंदी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। जनवरी वायदा मुझे लगता है कि 13,000 से 15,000 के स्तर छू सकता है। वहीं सीड की बात करें, जनवरी वायदा तो वो 7,000 से लेकर 7,200 रुपए तक ऊपर जा सकता है। तो ग्वार के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है, आने वाले दिनों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, हम देखते हैं कि अगर कोई भी कमोडिटी हो, अगर मार्केट्स में उसके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और वो कमोडिटी महंगी है और ऑल्टरनेटिव सस्ते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो सस्ते ऑल्टरनेटिव्स पर, चीप ऑल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट होती जाती है। आपको नहीं लगता कि जैसे ग्वार गम के ऑल्टरनेटिव्स इस समय मार्केट्स में मौजूद हैं और काफ़ी रीजनेबल रेट्स पर हैं, और ग्वार का इस बार प्रोडक्शन भी कम रहने की खबरें हैं, अगर इंडस्ट्री दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट होती है तो क्या इसका इम्पैक्ट ग्वार की कीमतों पर कहीं ना कहीं पड़ता नजर आ सकता है? देखिए, ऐसा कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आ सकता अखिलेश। ग्वार गम जो है वो ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा जो है ग्वार सीड जो है वो पशुओं के चारे के लिए ज्यादातर मतलब यूज किए जाती है ये आइटम। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा, अब जो डिमांड जिस तरीके से पहले निकलती हुई दिखाई दी थी, मैंने फिर कहा कि फंडामेंटल इसका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कीमतों को ऊपर लेकर जाए, क्योंकि इस ये कमोडिटी ऐसी है, एक तो इसका स्टॉक लंबे टाइम तक आप कर सकते हो जो कभी खराब नहीं होती, और दूसरी इसके अंदर एक खासियत यह है कि इसको पशु के खाने के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर, तो इसमें डिमांड जो है कोई एकदम से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन हाँ, जो ट्रेंड बन रहा है वो दिखाई दे रहा है, जो स्टॉकिस्ट है वो इसके अंदर गेम करते हुए दिखाई दे सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से इसके अंदर तेजी बन सकती है। और जो इसके ऑल्टरनेट की बात है, डेफिनेटली वो तो कोई भी प्रोडक्ट हो अगर उसका ऑल्टरनेटिव चीप है मार्केट के अंदर अवेलेबल तो उसके ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, और उस ओरिजिनल प्रोडक्ट में भी वो मिक्सिंग आ जाती है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है अभी फिलहाल। जो ग्वार का जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो तेजी का है, और अभी जो जो ट्रेडर की एक्टिविटी दिखाई दे रही है उस हिसाब से इसके अंदर तेजी है। फंडामेंटल इसका कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, और इतना भी फंडामेंटल वो नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कहीं गिरावट आती हुई दिखाई दे। तो कहने का मतलब ये है कि ग्वार जो है निचले स्तरों पर हमेशा सपोर्ट लेती हुई दिखाई देगी इस कमोडिटी में, ऐसा एक बार प्रिडिक्ट हो रहा है
कि वापिस से तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, वापिस से ट्रेडर स्टॉकिस्ट व्यापारी लोग जो है वो एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर ह्यूज बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है अब ग्वार के अंदर हो सकता है आने वाले दिनों में घुसते हुए दिखाई दे, जो एक बार कीमतों को ऊपर ले जाकर वापिस से नीचे गिराते हुए दिखाई दे। तो इसमें स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा आगे चलकर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि देखने को मिल सकता है, इसलिए बाइंग अभी मुझे लगता है कि करनी चाहिए, निचले स्तरों पर बाइंग करें और जैसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता रहे उसमें प्रॉफिट लेकर निकलते रहे। जी,